हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूरो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। अब आगे बात करते हैं जहाँ पे वुमेन बिग बैश लीग का मैच नंबर 56 जो कि खेला जाएगा सिडनी सिक्सर वर्सेज सिडनी थंडर के बीच में। यह मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। टूर्नामेंट अब लास्ट स्टेज से आगे बढ़ रही है जहाँ पे टीमें पॉइंट टेबल चार पर रहने के लिए ट्राई कर रही है। कुछ टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है तो कुछ टीम प्लेऑफ की रेस में चल रही है। वहीं अगर सिडनी सिक्सर की बात की जाए तो अब तक 13 मैचों में से 6 जीत कर और 7 हार के साथ 12 पॉइंट है। वहीं अगर सिडनी थंडर की बात की जाए तो 12 मैचों में से 7 जीत और 4 हार के साथ 15 पॉइंट लेकर टेबल पर थर्ड पोजिशन पर स्टेबल है। वहीं आगे बात करते हैं, वेदर रिपोर्ट देखते हैं जहाँ पे के दिन धूप खिला रहेगा, बारिश की चांस नहीं है, टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री के सेल्सियस के बीच में रहने वाला। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो सिडनी का ट्रैक बॉलर्स के लिए यहाँ थोड़ा हेल्पफुल होगा। स्टार्ट में फास्ट बॉलर को कुछ हेल्प मिलेगी, बॉल यहाँ पे बाउंस खूब करेगी, सिम्स बॉलर को लाइन में लेंथ बॉल डालना होगा। वहीं अगर टॉस रिपोर्ट की बात करें तो दोनों टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना चाहेगी, जीव को चलते यहाँ चेस करना बेस्ट होता है। अब अगर बात करते हैं सिडनी थंडर वुमेन का शॉट एनालिसिस करते हैं तो टीम की ताकत उनकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। बैटिंग यूनिट में बात करें तो सिडनी थंडर की रन स्कोरिंग के लिए श्रीलंका की चमारी अथापत्तु फोएप लिचफील्ड पर डिपेंड है। वहीं कप्तान हीथर नाइट को फ्रंट से टीम को लीड करना होगा। अगर अब टीम को प्लेऑफ क्वालिफाई करना है तो ऑलराउंडर मैक जेन कैप, विकेट कीपर तहलिया विल्सन टीम को फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। लास्ट गेम में सिडनी थंडर के लिए विकेट कीपर तहलिया विल्सन ने अच्छा परफॉर्म किया था और 23 गेंदों में 5 चौके की मदद से हाईएस्ट 33 रनों की इनिंग खेली थी। विल्सन के अलावा सैमी जो जॉनसन ने 14 गेंदों में 26 रन बनाए। अगर वहीं बॉलिंग यूनिट की बात की जाए तो थोड़ी सी वीक दिख रही है इस टाइम पर विकेट दिलाने के लिए हना डालिटिगन मैजन कैप और बॉलिंग स्पेल स्टार्ट करेगी। फास्ट बॉलर सैमी जॉनसन लॉरेंस स्मिथ अब तक ठीक ठाक परफॉर्म किया। वहीं समांता बेट्स और चमारिया था पति टीम पूरी तरह डिपेंडेंट है, उनको भी फ्रंट से लीड करना होगा अगर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड टीम के बॉलर्स को शूट करेगा। लास्ट गेम में सिडनी थंडर के लिए फास्ट बॉलर मैजन कैप बेस्ट बॉलर थी। तो अब आगे बात करते हैं सिडनी थंडर का की प्लेयर देखते हैं जहाँ पे हीथर नाइट है, मैजन कैप है, चमारिया था पति टहलिया विल्सन है। तो बात करते हैं सिडनी सिक्सर का शॉट एनालिसिस करते हैं जहाँ पे एलिरे पेरी सुजी बेट्स की कमबैक से सिक्सर को स्ट्रॉन्ग होगी। एलिरी पेरी को बैट से सिक्सर के लिए कमाल करना होगा। कप्तान को फ्रंट लीड करने की ज़रूरत है, यह अच्छी फॉर्म में है और यहाँ बैटिंग कंडीशन को देखते हुए इस मैच में इफेक्टिव प्रूफ हो सकती है। सिक्सर की बैटिंग के लिए ऑलराउंडर सुजी बेट्स और एसले गार्डनर का फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों अच्छा परफॉर्म करें तो फेल रहे हैं तो सिक्सर एक बार फिर से प्रॉब्लम में लड़कर आएंगे। टीम का प्लस पॉइंट है कि उनके पास एरिन बंस और क्लो टाइटन जो मिडिल ऑर्डर में पार्टनरशिप क्रिएट करने में एबल है, लेकिन इस समय रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। डिपेंडेबल प्लेयर नहीं होने से बैटिंग यूनिट थोड़ा सा वीक दिख रहा है सिडनी सिक्सर का। अगर वहीं बॉलिंग यूनिट में बात करें तो जहाँ पे टीम के कई विकेट लेने वाले बॉलर जिनमें से कप्तान एलिरे पेरी जो इंक्लूड हैं बॉल से भी बेस्ट है। बॉलिंग अटैक लॉरेन चीटल लिंसे स्मिथ मेन अटैकिंग बॉलर है और क्लोड टायरन भी मैच में नजर आएगी। अब आगे बात करते हैं, चलते हैं सिडनी सिक्सर का की प्लेयर देखते हैं जहाँ पे एलिसे पेरी सुजी बेट्स एसले गार्डनर एरिन बंस, तो ये रहे हैं सिडनी सिक्सर के की प्लेयर। तो फाइनली दोस्तों हमने पूरी मैच का डिस्कशन कर लिया, अब आगे चलते हैं फाइनली विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर सिडनी थंडर होगा क्योंकि सिडनी थंडर की परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट लग रही है, यहाँ पे सिडनी सिक्सर को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। Yeah!